गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन टूडे इन कंप्यूटर वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद चैप्टर टू GUI यू आई दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेस्क मैनेजमेंट चिल्ड्रेन हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स को पढ़ रखा है इस चैप्टर का एंड इन I लास्ट वीडियो few आई like क्विक रिकैप ऑफ सेटिंग अप द बैकग्राउंड बैकग्राउंड कैसे सेटअप करते उसके स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े थे देन आफ्टर दैट स्क्रीन सेवर कैसे सेट किया जाता है उसके स्टेप्स हम लोग पढ़े थे

मतलब एक ऐसा टूल बार जो फटाफट लॉन्च हो सकता है ओके व्हाट इज दैट विल सी टू इट कि आखिर ये है क्या नो क्विक लॉन्च टूल बार कैन बी क्रिएटेड टू क्विकली असेस एंटायर फोल्डर्स दैट कंटेन योर फेवरेट फाइल्स तो उसका क्या काम होता है क्विक लॉन्चर टूल बार का काम होता है उसे हम क्रिएट करते हैं ताकि हम हमारे सारे एंटायर जो फोल्डर्स होते हैं ना फोल्डर्स के अंदर जो हमारे फेवरेट फाइल्स uh, जो प्रेजेंट रहते हैं उन्हें हम कैसे असेस कर सकते हैं ओके सपोज वी नीड टू क्रिएट क्विक लॉन्च टूल बार फॉर डेस्कटॉप अगर मान लीजिए हम डेस्कटॉप के लिए क्विक लॉन्च टूल बार का यूज कर रहे हैं फोल्डर तो फिर उसमें कौन कौन से पर्टिकुलर स्टेप्स हम यूज करेंगे फर्स्ट स्टेप विल राइट क्लिक ऑन द टास्क बार एंड सिलेक्ट राइट टास्क बार जो आता अपीयर होता है उसका उस, वह, वहाँ जाकर हम लोग राइट क्लिक करेंगे और राइट right क्लिक करने के बाद विल सिलेक्ट द टूल बार्स टूल बार ऑप्शन अपियर होगा हम उसे सिलेक्ट करेंगे और टूल बार के बाद नेक्स्ट हम किसे सिलेक्ट करेंगे न्यू टूल बार को टूल बार में जैसे आप जाके ओपन करेंगे ना यू कैन सी ये बहुत अच्छे से पिक्चर विजिबल uh, नहीं है चिल्ड्रन इसके लेटर्स बहुत ही छोटे छोटे टाइनी हैं नहीं तो मैं आपको और अच्छे से क्लियर बताती कि क्या करेंगे हम टूल बार में जाएंगे उस, आ, उसके बाद न्यू टूल बार हम क्लिक करेंगे और जैसे ही आप न्यू टूल बार डायलॉग बॉक्स आपको ओपन होता है ना लाइक दिस वन चिल्ड्रेन ये जैसे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा सिलेक्ट द डिजायर्ड फोल्डर मतलब इसमें से आपका कौन सा फोल्डर आपको चाहिए जहां पर हम यूज करेंगे उसे लॉन्च करना चाहते तो मान लीजिए ये आपका डेस्कटॉप ऑप्शन है तो जैसे ही आप डेस्कटॉप ऑप्शन आपको अवेलेबल होता है आप उसे क्लिक करेंगे एंड सिलेक्ट फोल्डर बटन उसे आ, उसके बाद क्लिक करने के बाद हम बटन को क्लिक करते हैं ओके दिस ऑल वर द स्टेप्स वेरी इजी इजी बहुत है है नाम ही क्विक लॉन्च टूल बार तो फटाफट हम इसका यूज कर सकते हैं इस टूल बार को हम जनरेट कर सकते हैं नाउ विंडोज सेवन में चिल्ड्रेन सेम स्टेप्स आर इन विंडोज सेवन आल्सो विंडोज सेवन में भी यही पर्टिकुलर स्टेप्स यूज किए जाते हैं ओके फॉर क्विक लॉन्च टूल बार नाउ नेक्स्ट ऑप्शन कम्स एक और इंटरेस्टिंग मजेदार आपके लिए है क्योंकि आप लोग ये सब काम तो बहुत मजे से करते हो नाउ हाउ टू चेंज डेट एंड टाइम मोबाइल फोन्स में तो आप डेट और टाइम फटाफट आप चेंज कर लेते हो कर, लेकिन कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में हम डेट करंट डेट और टाइम को कैसे सेट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं ओके ना ईच कंप्यूटर हैज़ अ बिल्ट इन कैलेंडर एंड क्लॉक हर कंप्यूटर का अपना खुद का एक कैलेंडर भी होता है और क्लॉक भी अवेलेबल होता है नाउ हाउ टू चेंज टू चेंज द डेट एंड टाइम ऑफ द कंप्यूटर विल फॉलो फ्यू स्टेप्स बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं फटाफट ये भी हो जाते हैं जैसे क्विक लॉन्च टूल बार था ना बिल्कुल उसी तरह इसके भी स्टेप्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग और शॉर्ट फर्स्ट स्टेप चिल्ड्रेन इन द कंट्रोल पैनल विंडो क्लिक ऑन क्लॉक एंड रीजन कैटेगरी जैसे ही आप कंट्रोल पैनल में जाके क्लिक करोगे ना कंट्रोल पैनल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है वहां पर आप किस ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे क्लॉक एंड रीजन डायलॉग बॉक्स को और वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है उसके बाद हम क्या करेंगे वी विल क्लिक ऑन डेट एंड टाइम ऑप्शन उसमें देखिए दिस ऑप्शन डेट एंड टाइम ऑप्शन जो विजिबल हो रहा है ना हमें हम उसे क्लिक करेंगे जो कि डायलॉग बॉक्स में है अपियर होता है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे आफ्टर दैट चिल्ड्रेन वी विल क्लिक ऑन चेंज डेट एंड टाइम ऑप्शन ओके चेंज डेट एंड टाइम ऑप्शन आ रहा है ना सी सेट द टाइम एंड डेट देन यू आर चेंज द टाइम जोन और यह है एट क्लॉक्स फॉर डिफरेंट टाइम जोन्स तो आपको रीजन भी पूछेगा कि आप कहाँ रह रहे हो वेदर यू आर इन इंडिया और एब्रॉड इंडिया के बाहर भी अगर है तो वहाँ का टाइमिंग डिफरेंट होता है इंडिया का टाइमिंग डिफरेंट होता है तो वहाँ जाकर हम लोग जैसे ही चेंज डेट एंड टाइम ऑप्शन क्लिक करेंगे ना तो डेट एंड टाइम का एक डायलॉग बॉक्स होता है जो कि अपेयर हो जाता है सी लाइक दिस चिल्ड्रेन डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स हैज़ बिन ओपन अब डेट एंड टाइम जो ओपन हुआ है उसमें हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे इन द डेट एंड टाइम सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स फर्स्ट वी विल सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ईयर मंथ डे इन द डेट सेक्शन तो ये जो डेट सेक्शन है यहाँ डेट एंड टाइम जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहां पर आप क्या क्या करोगे सबसे पहले उस डेट फिक्स करोगे जो करेंट डेट है आज आपका और जिस समय आप इससे चेंजेस ला रहे हो ना तो एट दैट मोमेंट व्हाट इज द टाइम Is जो शो कर है, वही टाइम आप यहाँ इंसर्ट करिएगा ओके उसके बाद चेंज द आर मिनट सेकेंड इन टाइम सेक्शन टाइम सेक्शन में जाकर आप सी दिस इज द टाइम जोन यहां पर आप सिलेक्ट करोगे कौन सा टाइम जोन चाहिए अगर आप न्यू दिल्ली सिलेक्ट करोगे मींस यू आर इन इंडिया तो इंडिया का टाइम जोन डिस्प्ले होगा और अगर आप साउदी लिखोगे तो साउदी का डिस्प्ले होगा अगर आप यूएस लिखोगे तो यूएस का टाइमिंग डिस्प्ले होता है क्लियर चिल्ड्रेन एंड आफ्टर दैट चेंज जैसे ही आप आर मिनट और सेकेंड्स को चेंज करोगे उसके बाद ये ओके डायलॉग बॉक्स के नीचे में आप देख सकते हो अवेलेबल होता है जैसे ही आप ओके okay को क्लिक करोगे ना आपका जो भी टाइम है लैपटॉप पे कंप्यूटर में वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है आफ्टर दैट चिल्ड्रेन योर कैलेंडर जिसे हम कहते हैं ना डेट ये तो टाइम सेट किया आपने अब डेट कैसे सेट करेंगे उसी तरह डेट एंड टाइम सेटिंग्स में आप डायलॉग बॉक्स को ओपन करिएगा वहां आपको क्या विजिबल होगा सेट द डेट एंड टाइम ओके तो टाइम तो हमने सिलेक्ट करके चेंज कर दिया अब डेट कैसे जैसे ही आप डेट कुछ क्लिक करोगे ना तो डेट क्लिक करने से क्या होगा ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन होता है इसमें आपको कैलेंडर विजिबल होगा तो करंट डेट मान लीजिए टुडे इज मान लीजिए क्यों कंफर्म है व्हाट इज द डेट टुडे आई थिंक इट्स ट्वेंटी Uh, नहीं ट्वेंटी तो क्रॉस हो चुका है द करेंट डेट विल बी फिफ्थ और सिक्स ऑफ मे वॉटर इट इज़ या अगर सिक्स में है तो आप सिक्स में यूज़ करिएगा फिफ्थ में है तो आप फिफ्थ में यूज़ करिएगा वॉट एवर करेंट डेट जो उस दिन होता है आप वो डेट को आप इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे ओके लाइक मान लीजिए ट्वेल्थ ही ले लेते हैं एग्जाम्पल मान लीजिए आज ट्वेल्थ है तो ट्वेल्थ के यहाँ जाकर हम क्लिक करेंगे हाईलाइट करेंगे तो कंप्यूटर को समझ में आ जाएगा कि करेंट डेट इज़ ओके okay? और मंथ सी कैलेंडर में मंथ और ईयर भी विजिबल हो रहा है ना हमें तो ये इस मंथ और इस डेट में इस ईयर में कौन सा डेट था वो ट्वेल्थ था जिसे हमने सिलेक्ट किया था आफ्टर दैट वॉट हैपन्स और जैसे ही हम ओके okay बटन को क्लिक करेंगे हमारा डेट भी चेंज हो जाएगा वॉट एवर डेट विल बी प्रेजेंट ओवर दे या कर डेट जो भी है आपने उसमें डाला है वो कन्वर्ट हो जाएगा कंप्यूटर में और उसके बाद जब आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप के स्क्रीन को विजिबल करिएगा ना तो नीचे टास्क बार जो विजिबल होता है टास्क बार के राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको करेंट डेट एंड टाइम विजिबल होता है क्लियर चिल्ड्रेन आई होप इट्स कंप्लीटली क्लियर टू यू पीपल थैंक यू